Hello kids, how are you? Hope you all are fine. First of all, I want to welcome you on the platform of Dikshant's e-learning classes. As you know that we are discussing acid, base and salt. This is the chapter from the chemistry portion of class 10th. Today's video is 14th, ये मेरा 14वां वीडियो है रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज सम वेरी कॉमन एंड यूजफुल सॉल्ट. क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, इसीलिए ठीक है आज के वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस. हमारा क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके हिसाब से ठीक है जो कॉमन सॉल्ट है, यानी जो कि बहुत सारे सॉल्ट हम लोग डिस्कस किए जिसमें से जो यूजफुल सॉल्ट है और जो कॉमन सॉल्ट है ठीक है उसके बारे में डिस्कस करना है. जिसमें हम लोगों को डिस्कस करना है मोस्टली सोडियम क्लोराइड, उसको भी हम लोग कॉमन सॉल्ट, जनरली कॉमन सॉल्ट ही कहते हैं ठीक है. तो ये सोडियम क्लोराइड को हम लोगों को डिस्कस करना है. इसको इसलिए भी डिस्कस करना है क्योंकि ये सॉल्ट जो होता है ठीक है वैसे बहुत सारे इसके यूजेस हैं, इसका इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने के लिए या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इस सॉल्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है. कौन सा सॉल्ट? तो सोडियम क्लोराइड. इस लिहाज से भी हम लोगों को इसको पढ़ना है. हमारे सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं ठीक है जो कि इसी से क्या होता है, फॉर्म होता है, जैसे कॉस्टिक सोडा ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaCl के मदद से ही क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है. उसके बाद से वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा ठीक है, सोडियम कार्बोनेट चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी चीज आपके क्या हैं, सोडियम क्लोराइड के ही मदद से ही क्या किया जाता है, निकाला जाता है यानी मैन्युफैक्चर किया जाता है. उसी तरह ब्लीचिंग पाउडर जो कि सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना है, वो भी आपका सोडियम क्लोराइड से ही क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम क्लोराइड ही इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है ठीक है. इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम लोगों को सोडियम क्लोराइड के बारे में ठीक है, कैसे सॉल्ट वो फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ठीक है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो, क्या क्या है ठीक है, उसका यूजेस क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है. लेकिन हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछला क्लासेस में क्या पढ़े थे यानी पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप करते हैं ठीक है. तो हम लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे यानी वीडियो 13 में जो डिस्कस किए थे वो था आपका फैमिली ऑफ सॉल्ट. क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट जो है क्या होते हैं, हमारे फॉर्म होते हैं, उसका बहुत सारा क्या है प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को फॉर्म करते हैं. लेकिन सभी सॉल्ट को हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक ग्रुप में नहीं रखते हैं ठीक है. तो उसको हम लोग क्या किए, क्लासीफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू बेस के हिसाब से या फिर एसिड के हिसाब से. तो एसिड के हिसाब से बहुत सारे सॉल्ट है आपके ठीक है, जैसे एसिड के हिसाब से जो सॉल्ट है ठीक है उसमें आपका क्लोराइड सॉल्ट ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट या फिर नाइट्रेट सॉल्ट ठीक है. उसी तरह आपका क्या है, सल्फेट, सल्फेट सॉल्ट ठीक है. उसी तरह आपका कार्बोनेट सॉल्ट ठीक है, ये बहुत सारे सॉल्ट आपके पाए जाते हैं जिसमें क्लोराइड में हर एक सॉल्ट में आपका क्या होगा, क्लोरीन पाया जाएगा. जैसे एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है, पोटासियम क्लोराइड, यानी यहां पे देखिए सभी सॉल्ट में आपका क्या है, क्लोरीन है, इसलिए इसको क्लोराइड सॉल्ट कहा जाता है ठीक है. ये डिपेंड करता है आपका एसिड पे ठीक है, ये क्लोराइड सॉल्ट, ये नाइट्रेट सॉल्ट ठीक है, ये आपका सल्फेट सॉल्ट ठीक है, और ये आपका कार्बोनेट सॉल्ट
ठीक है। अब ये सभी आपके डिपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू एसिड। तो अगर एसिड आप क्या लिए हैं, HCl लिए हैं, ठीक है, एसिड आपका क्या है, HCl है, तो वो जो सॉल्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोराइड सॉल्ट। अगर आपने एसिड क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है HNO3, तो वो जो सॉल्ट होंगे वो सब आपके क्या कहलाएंगे, नाइट्रेट सॉल्ट, जैसे सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट CA, ठीक है, CaNO3 का ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जो कि क्या है, नाइट्रेट सॉल्ट, जिसको बनाने के लिए क्या यूज हुआ है, एसिड, नाइट्रिक एसिड। उसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ हो, ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ हो, यानी एसिड क्या बनाने के लिए, सॉल्ट बेस के साथ, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज हुआ, तो वो जितने भी सॉल्ट फॉर्म होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, सल्फेट सॉल्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका क्या आ जाएंगे, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, ये जितने भी सॉल्ट हैं आपके क्या हो गए, सल्फेट सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो बेस इस्तेमाल हुआ है, सॉरी एसिड इस्तेमाल हुआ है, वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपने क्या इस्तेमाल किया एसिड के तौर पे, कार्बोनिक एसिड इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उस केस में जो भी सॉल्ट फॉर्म होंगे वो सॉल्ट आपके क्या कहलाएंगे, कार्बोनेट सॉल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, चाहे पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, चाहे K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, तो दीज आर द व्हाट, कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है, जो कि किसके कारण बना, तो कार्बोनिक एसिड के इस्तेमाल के कारण। तो इस तरह से एसिड के हिसाब से भी सॉल्ट को क्या किया गया है, बांटा गया है। सिमिलरली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेस के हिसाब से भी आपका क्या किया गया है, सॉल्ट को बांटा गया है। अब जो बेस आपने यूज किया हो, ठीक है, अगर बेस आपने क्या यूज किया हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो जो भी सॉल्ट फॉर्म होगा वो सॉल्ट आपका क्या कहलाएगा, सोडियम सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। उसका एग्जांपल जितने भी सोडियम सॉल्ट है, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे सोडियम सल्फेट हो, ठीक है, चाहे सोडियम सल्फेट हो, ठीक है, Na2SO4, चाहे आपका सोडियम नाइट्रेट हो, ठीक है, NaNO3, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, सोडियम सॉल्ट। उसी तरह जो भी सॉल्ट आप क्या यूज किए हो, ठीक है, बेस में जो सॉल्ट बनाने के लिए जो बेस इस्तेमाल किए हो, अगर आपने उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर इस्तेमाल किए हैं, तो जो भी यहां पे सॉल्ट फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट कहलाएगा, ठीक है, जिसमें एग्जांपल में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ये सब आपके कैल्शियम। उसी तरह जो भी बेस यूज कीजिएगा उसका जो मेटल होगा उसी के नाम से क्या हो जाएगा, सॉल्ट आपका क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका किसके बारे में, तो पीएच के बारे में, पीएच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अब सॉल्ट का पीएच कितना होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि ये उसमें जाना कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, को स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बेस के साथ अगर ट्रीट करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर जो सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इस सॉल्ट का आपका पीएच क्या होगा, हमेशा इक्वल टू 7 होगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके जो सॉल्ट बना रहे हैं, वो सॉल्ट का पीएच हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 7, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर में अगर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक अगर बेस इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो इसमें जो ए सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, उस सॉल्ट में आपका पीएच क्या होगा, तो दैट पीएच इज लेस देन 7, ठीक है। एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। उसी तरह तीसरा वीडियो तीसरा कंडीशन, अगर आपने वीक बेस, अब यहां पे आपने वीक एसिड लिया, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो यहां पे जो आपका सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है, इस सॉल्ट का पीएच आपका क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है। यदि आपने क्या किया, वीक एसिड प्लस वीक बेस क्या किया, यूज किया, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा आपका, वो सॉल्ट हमेशा क्या होगा, उसका पीएच इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने क्या किया था, विथ एग्जांपल्स क्या किए थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इसको अधिक जानने के लिए आप लोग मेरा पिछला वीडियो क्या कीजिए, देखिए, ठीक है। अब आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक सॉल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का पार्ट शुरू किया जाए। सो आज का पार्ट में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग एक सॉल्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका कॉमन नाम ही क्या है, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, उसका कॉमन नेम ही क्या है, कॉमन सॉल्ट, जिसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड, उसको केमिकली हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और उसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, ठीक है। अब इस सॉल्ट को हम लोग सिंपल टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, इस सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे फूड में डाला जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, उस फूड का टेस्ट मिलता है, तो टेबल सॉल्ट इसको इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे फूड मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्सा है, जिसके कारण हमारा फूड जो है टेस्टी होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। अब इस टेबल सॉल्ट का सोर्सेस नेचुरली ऑकर भी करते हैं, नेचर में भी ये क्या होता है, सॉल्ट पाया जाता है नेचर में, ठीक है, नेचुरली ऑकर भी करता है, साथ साथ हम इसको क्या कर सकते हैं, लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एसिड बेस में बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग एसिड में HCl और बेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करके ये कॉमन सॉल्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेचर में भी ये सॉल्ट जो होता है, बाय नेचर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल में इसका सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है सॉल्ट का, इस कॉमन सॉल्ट का, तो एक सी वाटर, जैसे आप लोगों को मालूम है कि सी का जो वाटर होता है वो सॉल्टी इन टेस्ट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्ट। इससे और भी सॉल्ट होते हैं, लेकिन ये सॉल्ट क्या होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या होता है, सॉल्ट का भी क्या किया जाता है, उत्पाद किया जाता है बाय द इवापोरेशन प्रोसेस, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जिसमें सी रिवर्स को क्या किया जाता है, एक जगह खेतों की तरह क्या किया जाता है, पीट गड्ढे में क्या किया जाता है, उसको सी वाटर को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, और ड्यू टू इवापोरेशन उसको इवापोरेशन कराया जाता है, जिससे जितने भी उसके अंदर का वाटर है वो इवापोरेट होकर चला जाता है, और उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो सॉल्ट उस गड्ढे में क्या हो जाता है, वैसे रहता है, और उसी को कलेक्ट करके क्या किया जाता है, कंपनीज को दिया जाता है, वो अब उसको और थोड़ा सा प्यूरिफाई करके आयोडीन के साथ, ठीक है, उसको अपना ब्रांड देके क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, जैसे हम लोग नमक खाते हैं, टाटा नमक, ठीक है, आशीर्वाद नमक, बहुत सारे ऐसे नमक है, ठीक है, हमारे मार्केट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। अब इंडिया में जो ये सॉल्ट है, ज्यादातर हम लोग मुंबई और चेन्नई, ठीक है, यहां से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि ये जितने मुंबई और चेन्नई जो है, ठीक है, आपके इंडियन ओशंस के आसपास है, ठीक है। जैसे आपका मुंबई देखा जाए तो वेस्ट में आपका अरबियन सी, ठीक है,
और चेन्नई भी अगर देखा जाए तो इधर से आपका क्या हो रहा है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, से आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा कोस्टल एरियाज पाए जाते हैं, तो ये नमक का उत्पाद वहां पे किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग हमारे क्या है, हिस्ट्री भी रिलेटेड है। जैसे गांधी जी ने क्या किया था, एक दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है, जिसमें हम लोग किसके लिए वो दांडी मार्च हुआ था, तो रिकवरी ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर इज, ठीक है, सी वाटर से जो अंग्रेज क्या कर रहे थे, नमक को क्या कर रहे थे, उत्पाद कर रहे थे, तो उसको स्वदेशी अपना करने के लिए उसके लिए क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारा आंदोलन में गांधी जी ने एक मार्च निकाला था, ठीक है, उस यही नमक के लिए ही, नमक सत्याग्रह के नाम से वो क्या है, मशहूर है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम, देश आजादी के लिए वो एक फ्रीडम के लिए वो क्या किया था, मार्च किया गया था। उसके साथ दूसरा हमारा क्या है सोर्स, रॉक सॉल्ट है, ठीक है। रॉक सॉल्ट भी बहुत, जैसे आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे कि रॉक जो होता है फॉर्म होता है बाय द डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के डिपोजिशन से ही रॉक का क्या होता है, फॉर्म होता है। तो इस तरह का रॉक सॉल्ट भी, जितने भी रॉक है वो वहां पे मिनरल्स है, यही मिनरल्स एक दूसरे से कंबाइन होके एक लेयर बनाते हैं, लेयर 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 बन के एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का भी बहुत सारे हैं। आइए, ज्यादातर जैसे मंदी एक हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, इंडिया के, और उसी तरह खेवारा, खेवारा ठीक है पंजाब में है, अभी फिलहाल में वो क्या है पाकिस्तान में है, वहां पे ये रॉक सॉल्ट ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज होने के कारण इसका कलर जो होता है क्या होता है, ब्राउन कलर हो जाता है, जिसे हम लोग सेला नमक भी कहते हैं, ठीक है, देखे होंगे काला काला या ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। वो ड्यू टू द इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस के होने के कारण वो क्या होता है, ब्राउन इन कलर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो वहां से भी NaCl को क्या किया जा सकता है, प्यूरिफाई करके निकाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो तो हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या था तो सोर्सेस, कहां से, वो नेचुरल सोर्सेस था, ठीक है। वैसे हम लोग सॉल्ट को ऑलरेडी हम बोल दिए कि सॉल्ट को आप क्या कर सकते हैं, लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आप क्या करिएगा, एसिड को बेस के साथ क्या कीजिएगा, रिएक्ट कीजिएगा, तो वहां पे भी आपका सॉल्ट, यानी कौन सा सॉल्ट, NaCl आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तब वो NaCl निकालने के लिए आपको कौन सा एसिड लेना होगा, तो एसिड आपका जो लेना होगा वो एसिड आपका क्या होगा, HCl, ठीक है। और इसको रिएक्ट करके बेस जो लेना होगा वो बेस आपको क्या लेना होगा, NaCl। जब इसको लैब में ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन होके आपका क्या फॉर्म होगा, NaCl प्लस वाटर, ठीक है, ये सॉल्ट आपका ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह से लैब में भी आप क्या कर सकते हैं, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर आप सोडियम मेटल को, ठीक है, HCl के साथ भी क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं गैस, ठीक है, सॉरी गैस कह रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन HCl के साथ भी ट्रीट करके आप क्या फॉर्म कर सकते हैं, NaCl, और इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ भी इस एसिड को क्या कर सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको क्या कीजिएगा, HCl को ट्रीट कीजिएगा, ठीक है, तो यहां पे आपका क्या फॉर्म होगा, NaCl, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आपका क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो दीज आर द वेरियस वे, ठीक है, बाय विच यू कैन प्रिपेयर NaCl इन द लैब, लेकिन नेचर से आप फ्रॉम द सी वाटर चाहे इन द फॉर्म ऑफ रॉक सॉल्ट आप क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। तो पहला प्रॉपर्टी होता है इसका कलर और स्टेट, ठीक है। तो कलर सब लोग देखे हैं, नमक का कलर व्हाइट कलर का होता है, या कोई लोग उसको कलरलेस भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन होता है, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बाइनरी, उसमें क्या होते हैं, वाटर होते हैं, मॉलिक्यूल्स NaCl, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। और इसका जो स्टेट्स होता है, ठीक है,
सॉलिड होता है एट अ रूम टेम्परेचर, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका कितना है 820 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। यानी इस सॉल्ट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 820 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। नमक को पानी में डाल दीजिए, देखिए एक ट्रांसपेरेंट यानी ट्रू सॉल्यूशन क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्युबिलिटी जो है रूम टेम्परेचर में ज्यादा है, ठीक है। ये 100 ग्राम पानी में 35.8 यानी 35.8 ग्राम ऑफ क्या हो सकता है NaCl 100 ml में क्या हो सकते हैं आपका डिजॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, सॉल्युबल हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इस केस में उतना ज्यादा इसका क्या नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में भी सॉल्युबिलिटी क्या नहीं होता है, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैरी नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एक्शन ऑफ हीट। अब इसके ऊपर इस नमक को आप क्या कीजिए, हीट सप्लाई कीजिए तो क्या होता है, ठीक है। तो हीट सप्लाई करने पे क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में है तो जब हीट हम लोग सप्लाई करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से क्या हो जाता है, रिमूव होता है, ठीक है। जिसके कारण एक तरह का क्या होता है, डाइहाइड्रेट के रूप में ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है। आज जैसे हीटिंग करते हैं क्रैकलिंग साउंड होता है ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म, जो क्रिस्टल फॉर्म में ये है उस क्रिस्टल फॉर्म का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, इसीलिए आपका ये क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। दूसरा हम लोग ये एथी में भी पढ़े थे क्या, जब बेस का डिस्कस कर रहे थे उसमें भी पढ़े थे कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, यानी NaCl जो होता है हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, और वहीं पे बेस जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, डिल्यूक्विसेंट इन नेचर होते हैं, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करते हैं, वाटर जो है या मॉइस्चर जो है अपने एनवायरमेंट से अब्जॉर्ब करते हैं, कौन तो बेस जितने भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, डिलिक्विसेंट इन नेचर कहते हैं। लेकिन जो कम मात्रा में अपने चारों तरफ से यानी नेचर से क्या करे, वाटर जो है लिमिटेड अमाउंट में या लिटिल एक्सटेंट में क्या करे, एब्जॉर्ब करे, उस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड इस बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ से अपने इन्वायरमेंट से यानी अपने आउटरमोस्ट से क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से एयर से क्या करता है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और खुद वेट हो जाता है, चिपचिपा बन जाता है, ठीक है। अब ये उसके बाद से नेक्स्ट एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप क्या करते हैं, सल्फरिक एसिड यानी NaCl को सल्फरिक एसिड से अगर ट्रीट करते हैं तो आपका क्या फॉर्म होता है, HCl, ठीक है। HCl गैस क्या होता है, निकलता है, ठीक है। HCl गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी क्या प्रोड्यूस होता है, HCl गैस। जैसे यहां पे देख पा रहे हैं सोडियम क्लोराइड को आप क्या कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कीजिए, तो पहले तो सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होता है, एक सॉल्ट है, साथ साथ आपका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या फॉर्म होता है, गैस। अब ये आपका क्या नहीं होता है, एसिडिक इन नेचर में नहीं होता है, नॉट इन एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर नहीं होता है, एसिडिक नेचर क्यों नहीं होता है, तो ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एसिडिक इन नेचर कब एसिड शो करता है, जब वो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होते हैं, यानी ये कब वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं तब, क्योंकि उस वक्त ये H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये गैस फॉर्म में ये आपका एसिडिक इन नेचर नहीं होगा, अगर इसको एसिडिक इन नेचर होना है तो इसको आप क्या कीजिए, वाटर के साथ ट्रीट कीजिएगा, तब ये आपका क्या होगा, एसिडिक इन नेचर शो करेगा, ठीक है, उस केस में ये आपका क्या करेगा, एसिडिक इन नेचर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर इसको आप क्या कीजिए, रिएक्ट कीजिए किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्ट करते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में पढ़े थे, ठीक है। ये एक तरह का टाइप ऑफ क्या है आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, जिसमें आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर आप सोडियम क्लोराइड को ट्रीट कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड,
ठीक है, सोडियम सॉरी सिल्वर क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा, ठीक है, किसका, तो सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, साथ साथ आपका क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट, क्या फॉर्म होगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिएक्शन से, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर सोडियम क्लोराइड को अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे कोई सैंपल आपको मिल गया, ठीक है, सॉल्ट का सैंपल मिल गया, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि ये सॉल्ट जो है, ठीक है, क्योंकि कलरलेस है, बहुत सारे सॉल्ट आपके कलरलेस होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, आपको नहीं मालूम है कि ये क्या है, NaCl है, ठीक है, अब इसको केमिकली कैसे आप ट्रीट, मतलब क्या कीजिएगा, फाइन कीजिएगा कि ये आपका क्या है, टेस्ट कीजिएगा केमिकली कैसे टेस्ट कीजिएगा कि ये आपका NaCl प्रूफ हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, ये प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें इसका आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन क्रिएट कीजिए, ठीक है, यानी NaCl का आप क्या कर लीजिए, एक सॉल्यूशन बना लीजिए, एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद से एक्वा सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन बना लीजिए NaCl का, ठीक है, अब इसमें आप क्या कर दीजिए, ऐड कीजिए, क्या ऐड कीजिए, तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड कीजिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कीजिए, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड कीजिए, तो अब यहां पे सिल्वर, ठीक है, AgNO3 और सोडियम NaCl, ठीक है, जब रिएक्ट होंगे तो यहां पे आपका आयंस में एक्वा सॉल्यूशन होगा, ये भी, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन होगा, ये भी एक्वा सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, आयंस में ब्रेक होते हैं, Ag+ NO3-, ये ब्रेक होता है Na+ Cl-, ठीक है, इसमें ब्रेक होते हैं, अब सोडियम मोर रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो इसको रिप्लेस करके क्या कर देता है, अपने जाके क्या हो जाते हैं, सोडियम के साथ क्या करता है, सोडियम जो है अपने जाके नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम, ठीक है, नाइट्रेट फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, सोडियम नाइट्रेट, आज सिल्वर बेचारा जाके क्या करता है, अब क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म करता है, सिल्वर क्लोराइड, अब ये जो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है, जैसे ही आप ये इसमें डालिएगा, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होने के कारण आपका ये पूरा सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, आपका ये पूरा सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, जैसे ये अपीयरेंस हो रहा है व्हाइट पीपीटी का, तो समझिए कि ये किसके कारण हुआ है, सिल्वर क्लोराइड के कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, सिल्वर क्लोराइड, तो जैसे ही व्हाइट पीपीटी आ गया, तो समझिए कि आपका जो सॉल्ट गिवन था, ऑब्वियसली वो सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो सॉल्ट है आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट पीपीटी फॉर्म होता है, और ये रिएक्शन को हम लोग ऑलरेडी 10th में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन में, कि ये टाइप ऑफ कौन सा रिएक्शन है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और साथ साथ ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। नाउ आफ्टर हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, इसके बाद यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, अब इस कॉमन सॉल्ट का यूजेस क्या है, ठीक है, तो पहला यूजेस ऑलरेडी बोल दिए कि ये हमारा खाने का क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक खाना का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे खाने का स्वाद है क्या होगा, फीका होगा, ठीक है, तो फीका तो सबको अच्छा लगता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्टी होना जरूरी है, ठीक है, टेस्ट नहीं आएगा। दूसरा इसका प्रिजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है, इसको बहुत सारे चीजों को प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एग्जांपल में आप लोग जितने भी पैक वाले चीज होता है, ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे, प्रिजर्वेट करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे घर में भी देखे होंगे मछली जो होता है, अगर खरीदा चुका है सवेरे में, उसको खरीद लिया गया है और उसको यूज करना है शाम को या कल, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है, ठीक है, और फ्राई करके उसको क्या किया जाता है,
पैक करके रख दिया जाता है इन द क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट, या फिर उसको क्या करते हैं सॉल्ट के साथ प्रिजर्व करके रखा जाता है। ज्यादातर पैकेट में मीट और फिश को क्या किया जाता है प्रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। उसी तरह मिक्स किया जाता है NaCl को, ठीक है, विथ आइस टू मेक अ आइसक्रीम। बहुत सारे क्या किया जाता है आइसक्रीम वाले आते हैं लेके, ठीक है, तो वो आइसक्रीम बनाने के लिए भी आइस के साथ क्या किया जाता है आपका NaCl को क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है, तो वहां पे भी इसका इस्तेमाल है। उसी तरह इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे साबुन बनाने के लिए, ठीक है, और साबुन में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है सॉल्टिंग आउट करने के लिए, क्योंकि क्लास इसी क्लास में आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो सोप है वो सोप कैसे बनता है, तो ऑयल और एल्कलाई, ठीक है, यानी बेस और फैट से क्या करता है आपका सोप बनता है। तो वो सॉल्यूशन में जो सोप प्रोड्यूस हो जाता है वो सॉल्यूशन में क्या होते हैं डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है, उस सॉल्यूशन में वो क्या रहते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमको तो सोप क्या चाहिए सॉलिडिफाई चाहिए, इसीलिए उसमें क्या किया जाता है नमक को डाला जाता है, NaCl का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो NaCl क्या हो जाता है सॉलिडिफाइड हो जाता है उस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो इसीलिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं सॉल्टिंग आउट कहते हैं सोप का, ठीक है, ऑफ द सोप, ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारे अदर केमिकल प्रोड्यूस करने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल्स, ठीक है, यानी NaCl को बहुत सारे अदर क्या करने के लिए मटेरियल बनाने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में NaCl को लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सोडियम उसमें से लेना हो, ठीक है, तो सोडियम के लिए, फिर क्लोरीन अगर बनाना हो, क्लोरीन गैस चाहिए आपको तो NaCl का ही यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए तो NaCl का ही यूज करेंगे, अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक सोडा बनाना है तो वहां पे भी आपका क्या चाहिए सोडियम क्लोराइड ही यूज होगा, उसके बाद से सोडियम कार्बोनेट चाहिए यानी वॉशिंग सोडा तो वहां पे भी आपको क्या चाहिए NaCl एज ए स्टार्टिंग मटेरियल चाहिए, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा बनाना है खावा सोडा, ठीक है, तो वहां पे भी एज ए स्टार्टिंग मटेरियल आपको क्या चाहिए NaCl चाहिए। उसी तरह आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना हो तो उसमें भी क्या चाहिए आपका स्टार्टिंग मटेरियल NaCl चाहिए, तो यहां पे लॉट्स ऑफ यूजेस है, ठीक है, NaCl का, तो इसीलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही सब चीजों के बारे में हम लोगों को फर्दर भी क्या करना है डिस्कस करना है। अब यहां पे हमारे सिलेबस में, ठीक है, ये जो अदर यूजेस है केमिकल बनाने का, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को हमारे सिलेबस के हिसाब से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ NaCl उसके बारे में डिस्कस करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में भी डिस्कस करना है यानी सोडियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है, या सोडियम आपके बाइकार्बोनेट के बारे में भी डिस्कस करना है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है आपका बेकिंग सोडा है, सोडियम कार्बोनेट आपका क्या है वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर ये कैसे NaCl से फॉर्म होता है इसके बारे में हम लोगों के सिलेबस में फर्दर दिया है, ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, वी विल बी कंटिन्यू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।